सो वेलकम बैक। नमस्ते, मेरा नाम विवेक जोशी, आई एम सेबी रिसर्च एनालिस्ट। आज का अपना टॉपिक रहेगा SBI IPO के लिए। उससे पहले मैं आपको थैंक्स अलॉट कहना चाहूँगा, लास्ट वीडियो के लिए आपने काफ़ी सारे लाइक किए थे, सब्सक्राइब किया था एंड शेयर किया था काफ़ी सारे दोस्तों के लिए। सो कमिंग बैक टू द IPO, इट इज़ गोइंग टू बी 5th लार्जेस्ट IPO इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इट इज़ द लार्जेस्ट IPO इन द ईयर फाइनेंशियल ईयर 2019 एंड 20। SBI कार्ड्स इज सेकेंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी इन इंडिया, उसके टॉप पे चलती है HDFC बैंक विच इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड कंपनी। सो एट टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो अभी तक प्राइस बैंड इज़ नॉट येट डिसाइडेड। अगर हम देखने जाए तो SBI कार्ड्स इज़ प्लानिंग टू रेज समथिंग अराउंड 9,000 to 10,000 crores फ्रॉम द पब्लिक। अगर IPO सक्सेसफुल हो जाता है, 9,000-10,000 crore पब्लिक से अगर उन लोग रेज करते हैं, तो SBI का आफ्टर लिस्टिंग द मार्केट कैपिटलाइजेशन वुड बी अबाउट 60,000 to 70,000 crores, विच मेक्स इट्स लार्जेस्ट IPO इन द हिस्ट्री ऑफ 1920, मेकिंग इट 5th लार्जेस्ट IPO इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सो SBI कार्ड्स को अगर हम अप्लाई करते हैं, उसके पहले में अपने को ये जानना चाहिए कि उसका बिजनेस क्या है। सो SBI कार्ड्स मोस्टली 3 सोर्सेज ऑफ इनकम से पैसा कमाता है। फर्स्ट सोर्स उनका ये है कि दे चार्ज द रिटेलर्स, या फिर ट्रांजेक्शन जो होता है, आप डीमार्ट जाते हो, बिग बाज़ार जाते हो, वहाँ पे POS मशीन रहती है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन कहते हो उसको। वहाँ पे जैसे आप क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो तो SBI कार्ड्स चार्जेस 2-3% एज अ कमीशन टू द यू नो द पर्सन हु इज स्वाइपिंग, हु इज गेटिंग द अमाउंट ट्रांजेक्टेड, दैट इज द शॉपकीपर और डीमार्ट और बिग बाज़ार। दूसरा उनका सोर्स ऑफ इनकम है कि क्रेडिट कार्ड जो लोन्स रहता है उसके ऊपर वो लोग इंटरेस्ट कमाते हैं। तीसरा सोर्स है उनका जो है नॉन इंटरेस्ट इनकम, जैसे कि लेट फीस हो गया, एनुअल चार्जेस जो होते हैं जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज यूजुअली चार्ज करती है, एंड कैश हैंडलिंग फीस जो होती है, वहाँ से उनको एक अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। अभी बिजनेस के बाद हम उनके बारे में थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं और क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है कंपनी के। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ SBI बैंक। 74% ऑफ द शेयर्स ऑफ SBI कार्ड्स आर हेल्ड बाई SBI बैंक। ओके, SBI बैंक की अगर हम बात करें तो SBI के 22,000 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया है, तो SBI कार्ड्स को SBI के जो 22,000 ब्रांचेस है वहाँ से काफ़ी सारे कस्टमर मिल सकते हैं, विच अकाउंट्स टू समथिंग अराउंड 44 crore कस्टमर्स ऑफ SBI, तो वो पोटेंशियल कस्टमर हो जाते हैं SBI कार्ड्स के लिए भी। सेकेंड फैक्ट ये रहेगा कि इट इज़ ओनिंग 18% मार्केट शेयर इन द इंडियन क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री एज ऑफ नवंबर 2019। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इन द लास्ट 2 ईयर्स जो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम है, इट हैज़ इंक्रीज बाय ट्वाइस अलॉन्ग विथ लेट फीस एंड यू नो सर्विस चार्जेस दे आर चार्जिंग फ्रॉम द कस्टमर्स। अंदर द फैक्ट मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड जो इंडस्ट्री है, इट इज़ हाईली अंडर पेनिट्रेटेड विथ समथिंग अराउंड ओनली 3 पीपल होल्डिंग क्रेडिट कार्ड्स ऑन बेस ऑफ 100 पीपल, मतलब 100 में से सिर्फ 3 लोग ही क्रेडिट कार्ड होल्ड करते हैं। सब इफ़ यू सी द यूनाइटेड स्टेट्स, वहाँ पे 100 लोगों के अंदर 300 क्रेडिट कार्ड का यूजेज है, और इंडिया की बात करें तो सिर्फ 3 लोग हैं 100 में से जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। सो इफ़ यू सी इन द कमिंग ईयर्स देर इज़ ह्यूज पोटेंशियल इन द क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री। ये 3 का फिगर अगर समझो, वी टेक इट टू समथिंग 30-40 ऑल्सो, सो काफ़ी मेगा एक्सप्लोजन हो सकता है क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री के अंदर। फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स के ऊपर मैं एक और चीज़ एम्फोसाइज करना चाहूँगा कि इन द प्रीवियस ईयर्स जो क्रेडिट कार्ड का जो एक्सप्लोजन हो रहा है, इट इज़ कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग, जो क्रेडिट कार्ड यूजेज है वो इंक्रीज होते जा रहा है। ऑन द अदर साइड जो डेबिट कार्ड यूजर्स है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होते जा रहे हैं। सो जो यूजुअली डेबिट कार्ड यूज़ करते थे, दे आर फ्लिपिंग टुवर्ड्स क्रेडिट कार्ड बिकॉज ऑफ द बेनिफिट्स दे आर डिराइविंग यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स। अगर हम क्रिसिल की बात देखें, उनके रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से दे आर एस्टिमेटिंग समथिंग मोर देन 250% ग्रोथ इन द क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री इन द नेक्स्ट 4-5 ईयर्स, दैट इज़ बाई 2025 इंडिया का जो क्रेडिट कार्ड जो अपना इंडस्ट्री है, इट विल इंक्रीज बाई 250%। अगर हम वैल्यूएशन की बात कर ले बॉस, सो देखो, लेट मी क्लैरिफाई कि एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो हमारे पास एग्जैक्ट प्राइस बैंड है नहीं अवेलेबल, बट जो मार्केट में रेट्स चल रहे हैं कि समथिंग अराउंड 700-800 के आसपास शेयर इशू हो सकता है, तो वहाँ पे मेरा प्राइस टू बुक वैल्यू रफली 10x के ऊपर जा रहा है, एंड प्राइस टू अर्निंग जो है इट गोज रफली मोर देन 50-60x। सो वैल्यूएशन के बेसिस पे दिस शेयर लुक्स वेरी यू नो कॉस्टली टू मी, थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं इन लोग इसे। अब हम कुछ रिस्क के बारे में बात करेंगे। बिफोर इन्वेस्टिंग यू शुड ऑल्सो नो व्हाट आर द रिस्क वाइल इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनी और वाइल इन्वेस्टिंग इन दिस IPO। सो द फर्स्ट रिस्क इज दैट कि जो UPI है,
it may, as per the management of the company, it may hurt, you know, the transaction made on the credit cards. सेकेंड अपना रिस्क ये हो जाता है कि सपोज इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है इंडिया में, तो जो स्पेंडिंग पावर है कस्टमर्स का, इट विल ड्रेस्टिकली रिड्यूस, और जो एक्सेसिव यू नो डिस्पोजेबल इनकम रहती है, जो स्लैविश स्पेंडिंग होती है क्रेडिट कार्ड स्वाइप करने से, वो रिड्यूस हो जाएगी, और कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो भी रिड्यूस हो सकता है, और द नेट इनकम अर्न्ड बाय द कंपनी फ्रॉम ऑल द ट्रांजेक्शन में ऑल्सो रिड्यूस बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन. थर्ड रिस्क इज दैट कि देर आर यू नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स going against the directors of the company, so you should take this part as a you know red flag for some corporate governance issue. मैंने थोड़ा सा dig out किया but I could not find what are the criminal proceedings. तो I you know urge you कि थोड़ा सा उसके ऊपर गौर दीजिए कि why this criminal proceedings are there, और ये criminal proceedings किसके लिए हुई जा रही है, और इसका impact क्या रहेगा कंपनी के future के ऊपर. फोर्थ रिस्क अपना ये हो सकता है कि जो यू नो फिनटेक कंपनीज है या जो मोबाइल वॉलेट कंपनीज जैसे कि पेटीएम हो गई है, प्रीचार्ज हो गई है, एंड ऐसे काफ़ी सारे कंपनीज आज इंडिया में स्टार्टअप तरीके से वर्क ऑन करें काफ़ी बेहतर इन, तो दे में ऑल्सो इशू क्रेडिट कार्ड इन फ्यूचर. एज ऑफ नाउ पेटीएम इज इशूइंग क्रेडिट कार्ड इन टर्म्स इन टाइप्स विद सिटी बैंक. सो ये सारी कंपनियां अगर इनके खुद के क्रेडिट कार्ड करना इशू करना शुरू कर दिए तो कंपनी को कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा इनके साथ में, एंड इट मे इम्पैक्ट देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स. फिफ्थ एंड जो मेगा रिस्क मुझे लगता है एज पर द मैनेजमेंट कि एज ऑफ नाउ आरबीआई के यहाँ से ज़्यादा इंटरवेंशन नहीं है और कोई रेगुलेशन नहीं है ऑन द टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय द कंपनी. एज ऑफ नाउ ब्रॉडली इंडियन क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्जेस 35-48% इंटरेस्ट रेट पर एनम. बॉस दैट्स टू मच कंपेयर टू डेवलप कंट्रीज लाइक US जहाँ पे 16-18% क्रेडिट कार्ड कंपनी चार्ज इंटरेस्ट. तो अगर हम देखने रहे अगर फ्यूचर में आरबीआई कुछ इंटरफेरेंस कर सकती है ये सारी क्रेडिट कार्ड कंपनीज के लिए कि बॉस आप अपना जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा रिड्यूस कीजिए, तो इनके प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी सीवियरली हर्ट हो सकते हैं. सो आई थिंक इन कमिंग 10-15 ईयर्स देयर शुड बी सम रेगुलेशन इन द क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री. आरबीआई कुछ इनको रेगुलेशन में लेना चाहेगा टू रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम समथिंग यू नो 35-48% टू समथिंग अराउंड 20-25%. सो सिक्स्थ एंड लास्ट जो रिस्क मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मोस्ट ऑफ द पीपल को पता नहीं रहेगा बट दिस मे इम्पैक्ट दिस शेयर प्राइस सीवियरली इन फ्यूचर. कार्गो जिसे मैंने एक यू नो शॉर्ट नेम दिया हुआ है, कोल इंडिया, रिलायंस पा, GIC इंश्योरेंस एंड ONGC, अब तक के इसके पहले के सबसे चार बड़े इशू आए हुए हैं, IPO आए हुए हैं, और पिछले 10 साल में आप देखो इनके रिटर्न्स, तो इट हैज़ यू नो गिवन वेरी टैपिड रिटर्न्स और नेगेटिव रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स. सो अगर हम ऑन यू नो ऑन द बेसिस ऑफ या इन लाइन विद द हिस्ट्री हम देखने जाए, सो इतने बड़े साइज के जो IPO आते हैं यूजुअली दीज आर वेल्थ डिस्ट्रक्टर कंपेयर टू द इंडेक्स रिटर्न्स टू द इन्वेस्टर्स. सो जैसे कार्गो की स्पीड एकदम धीमी होती है, वैसे ये शेयर जो है इनके, ये जो सारे कंपनी है उनके शेयर्स के प्राइस भी जो एप्रिसिएशन है काफ़ी धीमा है इनका कंपेयर टू द इंडेक्स. मुझे नहीं कहना चाहिए बट जो रिलायंस पावर का जो इशू आया था बॉस, वन ऑफ द लार्जेस्ट IPO इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, साहब IPO का जो लिस्टिंग प्राइस था वो भी आज तक वो कंपनी ने इवन आफ्टर IPO अचीव नहीं किया था, एंड काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स स्टक हो चुके थे. सो आई विश कि यू टेक सम कैलकुलेटिव रिस्क बिफोर इन्वेस्टिंग इन दिस IPO. शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हो डेफिनेटली, एंड आई पर्सनली फील कि समथिंग अराउंड 5-6 times मिनिमम IPO वुड बी ओवर सब्सक्राइब, बट लॉन्ग टर्म की अगर बात देखने जाओ तो ये हिस्ट्री अगर हम देखने जाए तो यू मे हैव सम यू नो वेरी टैपिड रिटर्न्स कंपेयर टू द इंडेक्स रिटर्न्स. सो ऑन अ एंडिंग नोट मैं कंक्लूड यही कर पाऊंगा अपने एनालिसिस से कि जो SBI कार्ड का IPO आ रहा है उसके फंडामेंटल्स थोड़े बहुत ओवरस्ट्रेच है. दिस IPO इज अ मिक्स्ड बैग विद यू नो ओवरस्ट्रेच फंडामेंटल्स, बट द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इन दिस इंडस्ट्री एज वेल एज फॉर दिस कंपनी आर गुड. सो पर्सनली आई विल रेट दिस IPO 3 stars out of 5. आपको काफ़ी ड्यू डिलीजेंस करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग दिस IPO. लिस्टिंग गेंस आपको हो सकते हैं लॉन्ग रेंज में, अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहो तो बेटर रहेगा कि यू रिव्यू इट एवरी क्वार्टर. ओके सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई होप आपको बहुत मज़ा आया रहेगा, एंड मेक श्योर यू लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हो अगर आपने अब तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी अच्छे क्वालिटी वीडियो आपको आगे मिलेंगे. मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन तो नोटिफिकेशन आपको आते जाए, और अगर आपके माइंड में कुछ थॉट्स हो IPO रिलेटेड या कुछ और जनरल टॉक्स करने हो तो यू कैन मेंशन योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Thanks a lot for watching, and make sure you see the previous videos also. Thank you very much.